नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब समय उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों का। आपको दिखाते हैं यूपी 20। यूपी के सीएम योगी आज जाएंगे अयोध्या, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी विकास के कामों का निरीक्षण भी करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। संतों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 17 जनवरी को रामलला की प्रतिमा का नगर भ्रमण कार्यक्रम रद्द हुआ। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जानकारी दी। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट मंदिर परिसर के अंदर ही प्रतिमा का भ्रमण करवाएगा। ट्रस्ट, काशी के आचार्यों और प्रशासन के बीच बैठक के बाद हुआ फैसला। अयोध्या प्रशासन के मुताबिक नई प्रतिमा के भ्रमण के दौरान दर्शन के लिए लोग काफी उमड़ते और भीड़ को काबू करना मुश्किल हो जाता। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर चंपत राय ने वीडियो जारी कर पूरी जानकारी दी। प्राण प्रतिष्ठा का दिन और समय के बारे में विस्तार से बताया। चंपत राय ने 22 जनवरी वाले दिन लोगों को अयोध्या नहीं आने की नसीहत दी। कहा उस दिन अपने अपने घरों के पास के राम मंदिर में जाकर दर्शन करें, घर पर दिया जलाएं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देश भर के सभी गांवों में लाइव दिखाने की व्यवस्था होगी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अयोध्या में राम मंदिर पर कहा, अयोध्या मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की भावना को दर्शाता है। पीयूष गोयल ने कहा, भगवान राम सबके हैं और वो 140 करोड़ के भारतीयों के दिलों में हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की इंडिया टीवी से खास बातचीत, कहा राम मंदिर बनने का पूरा विश्वास था, तीनों कार सेवा में शामिल हुआ। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर तेज प्रताप यादव ने कहा, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होना चाहिए और उसी का पालन करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने नसीहत देते हुए कहा, धर्म पर कुछ कहने से पहले ऐसे बयानों से बचना चाहिए। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने का काम जारी है। 43.3 मेगावाट का सोलर प्लांट लग रहा है। पार्कों में लगाई गई है सोलर लाइट्स। अभिनेता चिरंजीवी का ऐलान, फिल्म हनुमान के बेचे गए प्रत्येक टिकट से राम मंदिर के लिए 5 रुपये दान देंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्टेट इकोनॉमी पर समीक्षा बैठक की। कहा, सही नीति से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना साकार होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज लखनऊ में विधायकों के साथ बैठक है। लखनऊ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन। बीएसपी चीफ मायावती ने खुद पर हमले की आशंका जताई। गेस्ट हाउस कांड को लेकर एसपी पर बरसी। अखिलेश यादव बोले, सुरक्षा को खतरा है तो बीजेपी को खत लिखें। यूपी के मथुरा में कड़ाके की सर्दी जारी है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। मैनपुरी में ठंड से आम जनजीवन बेहाल। पुलिस ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल।